हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक मैनेजर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या करना होगा, किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, अगर हमारी सोसाइटी में किसी की बैंक में जॉब लग जाती है तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं और लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। और अगर कोई बैंक में पीओ बन जाए, मैनेजर बन जाए, तब क्या कहने। तो आज की वीडियो में हम लोग बैंक मैनेजर के बारे में जानेंगे और आपको पीओ के बारे में भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक मैनेजर अगर किसी को बनना है तो उसको किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें, किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। जी हाँ, 12 के बाद आप नहीं बन सकते बैंक मैनेजर, आप नहीं बन सकते। आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। 12 के बाद जो आप नेक्स्ट कॉलेज में पढ़ाई करते हो उसी को ग्रेजुएशन बोलते हैं, जो कि नॉर्मली 3 साल का या फिर 4 साल का कोर्स हो सकता है। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की, कि कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है वही बैंक में जॉब कर सकते हैं और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो बैंक में जॉब नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट तो बैंक में जॉब कर ही सकते हैं, उसके अलावा आर्ट्स स्टूडेंट भी बैंक में जॉब कर सकते हैं और साइंस स्टूडेंट भी बैंक में जॉब कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट से आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है बैंक में जॉब करना तो बैंक में जॉब जरूर कर सकते हैं। एक्चुअली जान तो बैंकिंग में जॉब करने की सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएँ तो मिलती हैं बैंक की तरफ से, जैसे कि आपको सैलरी तो अच्छी मिलती है, उसके अलावा आपको DA मिलता है, आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है, उसके अलावा आप कहीं बाहर जाते हो किसी दूसरे शहर में तो आप होटल वगैरह में स्टे कर सकते हो, उसकी भी सुविधा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और इस तरीके की कहीं आप घूमने जाते हो तो उसमें भी आपको सुविधा मिलती है। तो बहुत तरह की सुविधा मिलती है बैंकिंग सेक्टर में। तो हमने सब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया, क्लासेस के बारे में जान लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से बैंक मैनेजर बना जा सकता है। तो देखो गाइस, ध्यान से समझना, अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर के पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, यानी कि आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। आप बैंक मैनेजर बनोगे लेकिन आप प्रोमोशन के थ्रू बनोगे, जो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे अच्छी ज्वाइनिंग मानी जाती है, जहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है वो होती है PO की, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, आपको लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपका PO के पोस्ट पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है तो वहाँ पे आप कुछ साल काम करो, उसके बाद दोस्तों प्रोमोशन के बाद आप बैंक मैनेजर के पोस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि बैंक मैनेजर डायरेक्ट नहीं बना जा सकता, आप पहले बैंक PO बनोगे, उसके बाद अगर आपकी प्रोमोशन होती है तो उसके बाद आप बैंक मैनेजर बनोगे। और बहुत सारे लोग जो बैंक में जॉब करते हैं उनका क्लर्क के पोस्ट पे ज्वाइनिंग होती है तो वो भी बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बैंक PO बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्लर्क भी बन सकते हो, आप बैंक PO भी बन सकते हो, दोनों बहुत अच्छा है। और बैंकिंग जॉब तो हमेशा से ही अच्छी रहती है और लोगों की पहली पसंद में से भी एक होती है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया कि बैंक मैनेजर बनने के लिए आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बन सकते, पहले आप बैंक PO बनिए, उसके बाद आप प्रोमोशन के थ्रू बैंक मैनेजर बन सकते हैं। और सब्जेक्ट्स वगैरह की तो मैंने बता ही दिया, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में करके बताइए कि क्या आप बैंक में जॉब चाहते हो। अगर चाहते हो तो बैंक की जॉब, ये वर्ड कमेंट में करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप लोग बस वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।